नमस्कार, मैं लोकेश मकाना। दिखाते हैं आपको अपने झालावाड़ मंदसौर जिले की ताजा तरीन खबरें। बात करते हैं आवर कस्बे में हनुमान जी मंदिर पर 9 दिन तक अखंड रामायण का पाठ चल रहा है और वहीं आज संपन्न हुआ रामनवमी के पावन पर्व पर हनुमान मंडल के सदस्यों द्वारा 9 दिन की पूजा अर्चना की गई। बुधवार को कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई है, लेकिन व्यापारियों को अनुशासन पखवाड़े की जरा भी फिक्र नहीं है और ना पालना कर रहे हैं। पगरिया पुलिस ने थोड़ी थोड़ी सख्ती दिखाते हुए किराना और अलावा दुकानदार को अपील की है कि आप दुकानें ना खोलें। और लगातार थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि बिना मास्क घूमने वालों को भी चालान बनाए जा रहे हैं। बात करते हैं मंदसौर जिले के बैसोदा नगर परिषद की सौंदर्यीकरण की उद्देश्य, यानी कि बैसोदा नगर परिषद अब सौंदर्यीकरण के उद्देश्य में स्वागत द्वार लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते 2 दिन पूर्व सीमावर्ती भवानी मंडी बैसोदा नगर के सीमावर्ती क्षेत्र में जो स्वागत द्वार लगाए गए हैं वो सीमा ज्ञान के अभाव में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों को समझ में बैठकर ये गेट लगाए गए हैं और बड़ा सौंदर्य जो है बैसोदा नगर परिषद हो रहा है। झालावाड़ खानपुर क्षेत्र के कोरोना महामारी रोकथाम के लिए उपखंड अधिकारी रामकिशन मीणा अतिथि अधिकारी बैठक आयोजित की गई। रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा की गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मुकेश नागर ने बताया कि खानपुर क्षेत्र में कोरोना सैंपलिंग की उसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते वहाँ सैंपलिंग की जा रही है। अगर किसी घर का सदस्य चला जाता है तो हम उसे याद करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने रहता है तो उसे हम बहुत प्यार करते हैं। मेरी आपसे यही अपील है कि इस कोरोना की दूसरी लहर को अगर तोड़ना है तो हमें परिवार को सुरक्षित रहना होगा। इतनी भाग दौड़ ना करें कि बाज़ार बंद हो रहे हैं, सुबह आप निकल रहे हैं और सब्जियाँ ले रहे हैं, किराना का सामान ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, एक तरफ शादी ब्याह का सीजन भी है। तो मेरे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप हो सके तो जितना जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करेंगे तो शायद हम इस कोरोना को भगा पाएंगे। और मेरे सभी ग्रामीण क्षेत्रों से भी ये निवेदन है कि जितना हो सके आप बार बार भवानी मंडी में सामान खरीदने जो आ रहे हैं तो एक साथ ही सामान लेके चले जाइए, बार बार शहर के अंदर भी मत आना, क्योंकि 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पूरा राजस्थान बंद माना जा रहा है। ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जितना हो सके सोशल डिस्टेंस बना के चलें, मास्क लगा के चलें और अपने आप को बचा के चलें। नमस्कार।